हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है गोवा का डे 4। उस दिन हम लोग रात को पालोलेम बीच में स्टे किए थे और सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे क्योंकि हमें कुछ फ़ोटो शूट करना था, इसीलिए हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे। और यहाँ पे आप अगर बिकिनी पहनना चाहते हो गोवा पे आके, तो साउथ गोवा जो है वो बेस्ट रहेगा, या पालोलेम बीच जो है वो तो बेस्ट होगा। आप यहाँ पे बिकनी पहन सकते हो क्योंकि यहाँ जो भी लोग हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं और फॉरेनर ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे क्रीपी लोग नहीं हैं। नॉर्थ गोवा में कुछ कुछ लोग ऐसे थे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे थे, पर कुछ कुछ लोग थे जो थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहे थे या थोड़े से टोंट कर रहे थे। तो अगर आपको बिकिनी पहनना है तो आप पालोलेम बीच में आके पहन सकते हो। और हम लोग यहाँ पे एक बोट राइड लिए थे, हमें पता नहीं था कि क्या है अंदर, क्या होता है। तो आने के टाइम पे ही बहुत सारे लोग हमें बोल रहे थे कि बोट राइड लेना है कि नहीं, जाना है कि नहीं। तो हमें एक भैया मिला जो कि बहुत ही अच्छे हैं, मैं अपने वीडियो में उनको थोड़ा सा आप देख के थोड़ा अगर जान गए, तो आप अगर जाते हो पालोलेम पे तो उनके साथ ज़रूर जाना राइड पे, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो भैया। तो यहाँ पे कुछ नहीं, वो रिवर के अंदर बोट राइड हो रहा था, जो बीच और रिवर ऐसा ही कुछ था। और यहाँ पे आके कुछ जो मूवी होता है ना, एनाकोंडा या वाटर जैसे मूवी, उस टाइप का थोड़ा सा फीलिंग्स आ रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। पूरा पानी के ऊपर ये सारे जो प्लांट थे, ये मैनग्रोव पेड़ बोलते हैं शायद इसको, प्लांट कुछ है। और अंदर का जो सीन था वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आप पालोलेम बीच अगर आते हो तो आप एक बार ज़रूर बोट राइड करना, और आप चाहो तो कायाकिंग भी कर सकते हो, पर उसके लिए शायद आपको स्विमिंग जानना पड़ेगा क्योंकि लाइफ जैकेट तो देते हैं, पर आप सेफ्टी के लिए थोड़ा सा अगर स्विमिंग जानते हो तो आप कायाकिंग भी कर सकते हो, और नहीं तो बोट पे भी आप आ सकते हो। तो बोट का जो प्राइस था वो 1500 ले रहा था, तो हम 6 लोग थे, हमारा पर हेड 250 करके लगा, जो कि एकदम ठीक था क्योंकि वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगा कि पूरे ट्रिप में ये एक जगह है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आप अगर पालोलेम बीच जाते हो तो आप एक बार ज़रूर इस जगह पे जाना, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ का जो नेचर है वो बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हो यहाँ पे सीगल, ईगल सब कुछ है। तो जो भैया लेके आए थे बोट में, वो भैया कुछ खाना दिए थे जो यहाँ पे दे रहे थे और पानी के ऊपर दे रहे थे, और सीगल ईगल आके वो सब खा रहे थे, मतलब उठा के ले जा रहे थे, और देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और सामने एक रॉक आपको दिखाई देगा, तो इसका नाम बैलेंसिंग रॉक है। सो इसका कुछ लॉजिक है, मतलब ये खुद ब खुद ऐसा हो गया है क्योंकि ये आप देख सकते हो एक बड़े से रॉक के ऊपर एक छोटा सा रॉक ऐसे बैलेंस करके रखा हुआ है। और ये देखिए, कुछ खाना तो दे रहे थे, वो चिकन का कुछ था शायद, तो ये देते ही सारे जो ईगल और शीगल है आके ये उठा के ले रहे थे। मैं फर्स्ट टाइम सीगल देख रही हूँ, ईगल भी अभी तो बहुत कम दिखाई देता है, तो देख के बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये दिया और अभी आ जाएगा वो, ये सीगल है जिसका जो सर है वो वाइट कलर का होता है। कुछ कुछ फ़ोटो भी यहाँ पे क्लिक किया है, वो DSLR में है, मैं बाद में उसको इंस्टा पे अपलोड करूँगी। और यहाँ का बहुत सारा रील्स भी मैंने बनाया है, बहुत सारे
पिक भी लिया है। तो अगर आप वो सब देखना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा जो आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये वीडियो में जो भी गोवा रिलेटेड सब कुछ है, होटल, फिर जाने का, स्कूटी का प्राइस, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। और मेरा जो भी पहले का वीडियो है वो भी उसका पूरा प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे बोट आए थे और जो कायाकिंग कर रहे थे वो भी यहाँ पे थे, और देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। पूरे ट्रिप में ये मेरा बेस्ट एक जगह था जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। और देखिए कितना सारा बर्ड यहाँ पे है। यहाँ पे जब ये सारे जो बर्ड है जब आवाज़ कर रहे थे तो बहुत सुंदर लग रहा था सुनने में, पर मैंने जो साउंड है वो थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि पीछे हम लोग बात भी कर रहे थे तो इधर उधर का बात, इसीलिए मैंने जो साउंड है वो मैंने कम कर दिया है। यहाँ का पानी जो था वो पूरा ग्रीन था और जो मैंग्रोव ट्री है वो आप देख सकते हो, लेने के लिए बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और ये जो है ये वो लोग बोल रहे थे, वो भैया बोल रहे थे तो कि इससे ही पूरा बैलेंस होता है और इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए वो पीछे जो भैया है वो भैया से हम लोग आए थे और वो भैया बहुत ही अच्छे थे, मतलब हमारे साथ एकदम अपने फैमिली जैसे बात कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग बस तभी मिले और हम लोग बस जाने के टाइम पे बोल रहे, मतलब भैया ने बोला हमें कि जाना है कि नहीं, तो हमने बोला ठीक है सभी को आने दो फिर देखते हैं। तो तब से भैया हमारे लिए वेट कर रहे थे कि हम लोग जाए या ना जाए, क्या करें। फिर हम लोग भैया से बोले कि हाँ चलो, तो लेके आए और बहुत अच्छे थे। तो आप अगर पालोलेम बीच में ये भैया को देखते हो तो आप इनके साथ ज़रूर जाना। और ये जो राइड था ये लगभग 1 घंटे में हो गया था, 1 घंटा लग गया था जाने में आने में। और वहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम भी रुके थे, सब कुछ देख रहे थे अच्छे से, और 1 घंटे में वही प्राइस था उन लोगों का। तो ये जो वीडियो है ये मैं अलग से बनाया है क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया है और इस दिन का और भी मैंने कुछ एक्टिविटी किया है, उसका भी वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी।
उस दिन हम लोग यहाँ से फिर होटल चले गए और फिर खाना खा के रेडी होके फिर निकल गए थे, क्योंकि हमें और भी कुछ कुछ जगह पे जाना था। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय।